गुड मॉर्निंग पीपल, आज है सैटरडे और वेल आज कुछ करने को कुछ खास है नहीं। आज फ्रेंड का बर्थडे है एंड आज ऑफिस फंक्शन भी है, बट पता नहीं मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यार यहाँ के बच्चे खैर पता नहीं मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज़ सिटी का जो सेंटर है जहाँ पे IMA है, सो वहाँ का रास्ता आज ब्लॉक होने वाला है ड्यू टू सम फंक्शन। बाकी दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत खैर सुबह ही हो गई थी, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और चिल मार रहे हैं। वैसे मैं देहरादून में हूँ एंड मंडे से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, साथ ही साथ ऑफिस भी देखना है, सो देखते हैं क्या कैसे करेंगे। और मौसम यहाँ का ना बहुत अच्छा है और ठंडा भी है एंड आज है फ्रेंड का बर्थडे, सो तैयारियाँ चल रही है। एंड मिस्टर सनी महासेठ से हाई टू द कैमरा। हेलो एंड सिसिर एंड मिस्टर महासेठ यहाँ चिकन बनाते हुए। ये रहा चकना अपना आज का एंड ही इज द बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू। और आज दारू चलेगा और क्या क्या चलेगा? दिस इज टिपिकल बैचलर लाइफ। और हमने यहाँ घर बसाया हुआ है, हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। सही बात, लिटरली हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, बस पैसे नहीं है। YouTube से पैसे कमाने, शौक पूरे करने, बाकी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास फ्रिज भी है, समझ रहे हो, बियर रखने का अच्छा जुगाड़ है ये। तिजोरी से निकला हुआ खजाना प्लीज, आगे सबके पापा देखेंगे और बी प्रिपेयर्ड फॉर इट्स ओके, वी आर एडल्ट्स नाउ, दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट बर्थडे। चावल एंड विदेशी विदेशी दारू एंड पानी एंड हमारा चौथा और हमारा चौथा मित्र जो है बेचारा अपनी जिंदगी से हार चुका है। फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय दोस्त से हम तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, बहुत टेंशन मत ले, बस फ्रस्ट्रेटेड है हम बच्चे से फ्रस्ट्रेटेड काम कर रहे होते हैं। सुनना कोई नहीं, हम जैसे वो अच्छा बात ज्यादा बोलने का जरूरत है। हम ये कह रहे हैं ओके, सो बर्थडे बॉय के लिए केक आ गया है एंड आज ऑफिस का फंक्शन मिस हो चुका है, जो कि मिस होना ही था बिकॉज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एक केक ऑलरेडी यहाँ पे जिस पे बड़ा बड़ा लिखा है सनी भैया एंड बिलेटेड सोनू भैया, एंड एक केक ये है, सो अब अपन केक निकालेंगे। ओके सो केक इज़ ब्यूटीफुल यार, बुरा नहीं है एंड साथ में क्यूट सा टैग ऑफ हैप्पी बर्थडे जो यहाँ लगा देंगे। ओके दैट्स इनफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोनिया सोनू। The next day. Happy
अच्छा इसका सारा गियर पीछे है। चलो चलो गुड इवनिंग गाइस, आज है संडे और शाम को बज रहे हैं पता नहीं कितने। तो आज हम निकले हैं एक छोटी सी ट्रिप पे एंड आई एम राइडिंग दिस TVS Sport। पेट्रोल भरा और भूल जाओ और इसका पेट्रोल है नहीं। फोन करना एक बार उनको, हाँ प्रतीक को फ़ोन करो। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? Okay, so we have reached to Chukani and अब देखने वाली बात यह है कि अंदर जाने का सीन कैसा है। एक तो काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं एंड ओके तो टिकट लेना पड़ेगा 35 रुपये। ओके सो वी हैव रीच्ड टू द रॉबर्ट्स केव। हिंदी में गुच्चू पानी कहते हैं, इंग्लिश में रॉबर्ट्स केव। और शेट उंगली फंसी थी। ओके सो इफ यू कैन सी, पहले ये जगह ऐसा नहीं हुआ करता था और आप सीधे वहाँ पानी में डाइंग कर सकते थे। पर अभी चेंज हो चुके हैं काफ़ी सारी चीज़, सो अब आप वो सारे काम नहीं कर सकते। यहाँ एक शिव मंदिर भी बन चुका है एंड दिस इज़ द प्लेस। वहाँ आप डाइंग कर सकते थे पहले, पर बीच में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया है एंड आप डाइंग यहाँ कर सकते हो। यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो पता नहीं हमारे लॉन्डलों का है, ये रहे अपने लॉन्डल में।
And boys. चांद जाएगा तू? भूमि या फेवर लेफ्ट में बोली। आइए तुम ये अंदर चलिए। चलो। खोल जल्दी खोलो। ओके। ये। बैग कहाँ रखना? बैग लेके जाना होगा शायद। बैग कहाँ रखोगे? राइस को पानी खर्च करवाओ यार। ये रहा हमको जाने का रास्ता और पानी बहुत ठंडा होगा ऐसा मुझे लगता है। आर यू रेडी टू टच द वाटर? पानी कितना ठंडा है? ओह फक, ठीक है मैनेजेबल है। इतने ठंडे पानी में तो नहा के आते हैं। सो फाइनली वाटर चेक, बहाव ठीक ठाक है। ओके अब मुझे नहीं पता कि अंदर का कितना दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा है, लिटरली यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे यहाँ हवाई चप्पल भी मिलता है। इफ यू शिट मैन, इफ यू वांट टू रेंट दिस स्लीपर्स यू कैन। Reaching to the end of this cave, not exactly end, but you can say that it is the first stop of the cave. इसके आगे भी है पर इसके आगे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं because इसे ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहिए अपने को। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. केव तक पहुंच चुके हैं और एक रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, पर जाना तो नहीं चाहता मैं ऊपर, पर थोड़ा एडवेंचर तो करना पड़ेगा वीडियो के लिए। ओके लेट्स गो। आज शरीर का नस नस जवाब देगा। We'll be right back.
पता आ रही है। I am so hot. You can see that. चल चल पकड़ा हूँ तू मेरा पकड़ लिया। सब एक दूसरे का पकड़ो और नीचे चलो। मेरा पकड़ो हम चले पहले। मेरे ऊपर फिसलना मत बस। आने दे भाई। ओके सो बाहर निकलने का टाइम आ गया। फाइनली बाहर आ चुके हैं। और अंधेरा हो चुका है। ओके सो शॉर्ट ट्रिप था, अनप्लान ट्रिप था, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं घर की ओर और बस सब तो अंधेरा हो चुका है। Now this is the view you're gonna get right now, which is amazing. So मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपना फ़ोन निकालूँगा और एक शॉट लूँगा। ओके सो दिस इज़ दी डोमिनर 400। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बजाज की इकलौती बाइक है जिसका एग्जॉस्ट का साउंड बहुत बढ़िया है। नहीं अच्छी आर एस की भी है बट आई प्रेफर दिस।
से ज़रा सा खींचा जाए। मेरा हाथ कहाँ पर है इस बाइक पे? ठीक है, सीधे 400 सीसी से 100 सीसी कूद रहे हैं 90 सीसी पे। एंड दिस बाइक विल टेक एन इटर्निटी टू रीच 100। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अपन छोटी मोटी बकचोदियाँ करते रहते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी, राइड सेफ एंड जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट।